सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। उन आत्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक, जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहाँ रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको धन देगा, आपको एक नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। दो नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और एक नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दरबी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे बनमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को धनी बनाऊँ मैं, चाहे नरक में जाऊँ। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन तीन चार अमृतवाणी में क्या बताया है कि परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा के कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कैर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए पुण्यात्माओं, हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्ति हीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहाँ जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं,
ये तो बालकों के मनगढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अपने अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षडांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोक क्या करते हैं लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा तान, उनसे कदे नहीं छूटता और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकल कर नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, अभी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुनाया है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं, और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है। तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रेन माटी करवा देता है ये काल, लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दो ही ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं, माता पिता कभी अपने बच्चे को दुखी दुख नहीं देगा चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके, आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी दास को तो नियमित बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक, वो थर्मल प्लांट है जहाँ से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए, जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो
तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पर आपके काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता, जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 एक घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल दो घंटे में जाके दो किलो पीसा करता, अरे दो घंटे में ठोक दे पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो तीत कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया, फिर इस पावर के काम देखियो आप। ठीक है, ये एड्रेस कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने नारा दिखाई देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि जान देना टेगा और मैंने झूठा बनाओगा, अगर झूठ बोल रहा है और आपका कलजा फट फट फटन हो रहा होगा किसने बताऊं।